अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबीका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के साथ मजाक करते थे तो कैसे करते थे। नाज़रीन, हम लोग भी मजाक करते हैं और एक दूसरे के साथ मजाक करके बहुत मजा आता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजाक के बारे में बताऊंगी कि जब उनका मजाक सुनते हैं तो तब दिल को कैसा लगता है। अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो का आगाज करती हूँ। नाज़रीन, हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, है अल्लाह के रसूल, मुझे सवारी फरहाम करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुझे ऊंटनी के बच्चे पर सवार करेंगे। उसने कहा, मैं ऊंटनी के बच्चे का क्या करूंगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊंट किसी ऊंटनी का बच्चा ही होता है। हजरत सहेब रोमी रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैं एक मरतबा खिदमत नबवी में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोटी और खजूरें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब हो जाओ और खाओ। चुनाचे मैं खजूरें खाने लगा। मुझे आशोबे चश्म था और मेरी एक आंख सुर्ख थी। आपने मेरी तरफ देखा और फरमाया, खजूरें खा रहे हो हालांकि तुम्हारी आंख खराब है। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस आंख की तरफ से नहीं खा रहा हूँ जिसमें मर्ज लाहक है, बल्कि दूसरी जानब से खा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। नज़रीन, एक दफा एक बूढ़ी औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, है अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह से दुआ फरमा दे, आप अल्लाह से दुआ फरमा दें कि वो मुझे जन्नत में दाखिल करा दे, वो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। आपने उससे फरमाया, है फलां की माँ, जन्नत में कोई बूढ़ी औरत दाखिल नहीं हो सकती। नाज़रीन, बुढ़िया ये सुनती है, ये सुनकर बड़ी ही रंजीदा हो जाती है और रोते हुए वापस चली जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस खातून को खबर दो कि वो बूढ़ी होने की हालत में जन्नत में दाखिल नहीं होगी बल्कि जवान होकर दाखिल होगी। अल्लाह फरमाते हैं, हमने इन अहले जन्नत की बीवियों को खास तौर पर बनाया है और हमने इन्हें कुंवारियां बनाया है, मोहब्बत वाली और हम उम्र है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।